आगे दो साल भैया आपसे सीधी बात करूँ, अपने जिस रास्ते को चुना आपको वहां से यू टर्न लेना होगा। यू टर्न लेने का कोई चांस नहीं है सर, मैं अब इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि वापस आना मुमकिन नहीं है। रास्ता भटक गया या कोई चाहे कितना भी दूर चले जाए लेकिन उसका वापस आना मुमकिन होता है, क्यों नहीं समझ रहे? सही कहा तुमने साली, बिल्कुल सही कहा। तुम भी तो प्यार के रास्ते चल पड़ी थी, नित्यम के प्यार के एहसास को अपने साथ लेकर, और तुम तो वापस आई तो आई ऐसे आई कि नित्यम से इतना प्यार करने के बावजूद मानव से आज सगाई भी कर ली। आगे तुम वापस, तुम्हारी खामोशी ये बताती है सावी कि तुम खुद भी वापस लौट नहीं पाई। बोलना आसान होता है, आप मेरी बात सुनिए और ध्यान से, आप और मैं हम दोनों अपने गलत राहों से लौट कर आएंगे और नहीं राह पर चलेंगे। कैसे? देखो रक्षित भैया, मैं मानव से शादी करके और आप इसी वक्त उस ग्लास को फेंक कर, चलिए वो ग्लास अभी फेंके नीचे, मुझे उसके टूटने की आवाज सुननी है। रक्षित भैया प्लीज। कैसे फेंको इस ग्लास को? मैं सारे ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया का सबसे अकेला इंसान हो। हाँ, अगर कोई मेरे साथ में है तो बस ये एक ग्लास ही है साथ में। कैसे फेंको इसे? आप साथ में मिले, ये ग्लास आपको अंदर से कर रहा है, से दूर ले जा रहे आप। ये सहारा नहीं, आपकी बैसाखी है, आपको कमजोर बना है। भैया तोड़ दीजिए उसे, आपकी बहन की खाती। शादी का गिफ्ट समझ कर फेंक दीजिए, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए पीछे। प्लीज आप अपनी प्यारी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते, मेरे लिए प्लीज। तुम मुझसे ना वो सारी चीजें करवा लेती हो जो खुद नहीं कर पाते। इतने रिश्तों में बंधे हुए हैं कि सिर्फ हमारे इस रिश्ते के लिए और सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने ये किया है। सो मच क्रैक।